गए समिति को हो रहा है। हाय गाइस, मस्ती टाइम विद मिक्की में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी बहन को स्टार्ट करना चाहिए, बट आज कुछ खास चीज़ होने वाली है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उसी के रिगार्डिंग मैंने अभी ये व्लॉग शूट किया है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो मेरे बाल दिख रहे हैं ना, अभी कुछ देर में ये नहीं दिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसको कटाने वाली नहीं हूँ मैं, बट इसको स्ट्रेट कराने वाली हूँ, स्ट्रेटनिंग कराने वाली हूँ। तो बहुत सारी लड़कियों इंक्लूडिंग मी, मैं थोड़ा सा हेजिटेट तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा टेंशन में हूँ कि आगे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। इससे पहले मैंने रात भर पता नहीं कितने सारे ब्लॉग्स देखे हैं दूसरे यूट्यूबर्स के, कि बाल स्ट्रेट कराने से क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है अभी तो फिलहाल, बट हाँ एक्साइटमेंट है क्योंकि लुक थोड़ा चेंज करना है। सेम वही थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है, ठीक है। लाइफ में सबको चेंजेस सबको पसंद होता है। तो और वैसे भी मेरे बाल मतलब कर्ली हैं, तो कर्ली वेवी दोनों हैं, और थोड़े से रफ और ड्राई टेक्सचर में हैं क्योंकि मेरे मम्मी के बाल जो है ना वो कर्ली हैं, तो मेरे भी हैं। तो पिछले कितने सालों से मैं एक ही हेयर स्टाइल को लेके कैरी कर रही हूँ, तो अभी मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे के प्रोसेस में आपको अपने चैनल में मतलब मैं बताती रहूँगी कि कैसा कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, कैसा रहा वह मेरा वहाँ पे जाना, और कैसे उन लोगों ने सर्विस दी, और क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर आप स्ट्रेटनिंग कराते हैं तो उसके साथ साथ क्या करना चाहिए। एक्चुअली ना मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने जो है ना पूरा पैकेज लिया हुआ है। पैकेज लाइक देखो, मेरे को स्ट्रेट तो कराना ही है, प्लस कैरेटिंग कराना है, प्लस ग्लोबल हेयर कलर कराना है, एंड प्लस हाईलाइट कराना है। तो चारों चीज़ें मेरे बालों में होनी है। बट कल हम लोग गए थे, मैं क्लिप आपको डाल दूंगी, इसके आगे थोड़ा बता दूंगी। कल हम लोग गए थे पार्लर में, तो पार्लर वाले भैया ने मेरे को बताया है कि भैया आप एकदम सडनली सब चीज़ें एक साथ नहीं करा सकते, उसमें बहुत टाइम वेस्ट तो नहीं बोल सकते, इन्वेस्ट करना पड़ता है, लाइक पूरा एक दिन आपको देना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि आप जो है ना पहले स्ट्रेटनिंग करा लो, स्ट्रेटनिंग कराने के 15 से 20 दिन बाद में, क्योंकि सारे केमिकल प्रोसेस है। देखो गाइस क्या होता है ना कि एट द एंड ऑफ द डे वो केमिकल ही होती है चीज़ें जो आप अपने बालों में कराते हो। नेचुरली चीज़ तो बहुत अच्छी होती है, बट क्या है ना मेरे को थोड़ा सा ये है कि चेंजेस चीज लिए मैं करा रही हूँ। अगर आपको नहीं कराना है तो मत कराइए, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो डर तो सबको लगता है हेयर फॉल वगैरह का, सब चीज़ का। मेरे भी माइंड में वही चल रहा है कि क्या यार मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाएगा, कि क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें चल रही है माइंड में। बट देखो अगर माइंड में ये सारी चीज़ें चलती रहेगी तो मैं नहीं करा पाऊँगी। तो आगे यही है कि कराना तो है यार, चलो एक बार रिस्क लेके देखते हैं। बट इतना तो है कि एकदम से तो नहीं झड़ जाएंगे, एकदम से गंजी तो नहीं हो जाऊँगी मैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या क्या प्रोसेस होता है। मैं आपको सारे मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी भी, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और जैसे मुझे से लड़कियां जो थोड़ा सा सोचती हैं कुछ चीज़ करने से पहले, मैं तो बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स यार बाल का सवाल है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क तो रहता है। और अब हम लड़कियों को अपने बाल बहुत प्यारे होते हैं, मुझे पता है सबको होते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको अपने बाल प्यारे होते हैं। तो मेरा भी वही हाल है, टू बी ऑनेस्ट मैं कल रात से सोई नहीं हूँ ढंग से। बहुत चलो बहुत ज़्यादा बातें हो गई है, मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि कैसे मेरे बाल स्ट्रेट होते हैं, और स्ट्रेट होने के बाद मेरा लुक कैसा आता है और कैसा दिखता है। हाँ मैं उससे पहले आपको एक बात बता दूँ, भैया ने थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी मेरे को कि जैसे आप हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए जाते हैं या कलरिंग के लिए जाते हैं, तो जिनके बाल ऑलरेडी कलर हुआ है, ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यू कैन सी मेरे बाल में हल्का सा टिंटेड थोड़ा सा कलर, क्योंकि बहुत पहले मैंने हाईलाइट करवाया था अपने बालों में, जिसका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपको कभी और बताऊंगी फुर्सत से,
बहुत ही ज़्यादा बुरा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे बाल ऐसे हैं, चलो आपको दिखाते हैं कि स्ट्रेट होने के बाद में कैसा लगता है। मैं डे बाय डे आपको ना थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि भाई इससे क्या चीज़ें थोड़ी सी इफ़ेक्ट कर रही है, कि बाल डैमेज हो रहे हैं कि झड़ रहे हैं। देखो केमिकल वाली चीज़ें हैं तो डेफिनेटली तो होगा ही होगा, ऐसा तो बोल नहीं सकते कि नहीं होगा, लेकिन आजकल ना हेयर फॉल तो होता ही है, वैसे भी होता है यार, वैसे भी क्योंकि पॉल्यूशन इतना है, सब आप जान रहे हो, हमारा मतलब जो डाइट होता है वो ऐसा हम लोग ले ही नहीं पाते, बहुत सारी चीज़ें होती है हेयर फॉल के लिए, तो खाली एक वजह तो होती नहीं है। अब पहले ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है, एज़ यू कैन सी कि अभी वेदर, अब हमारा क्लाइमेट इन्वायरमेंट कैसे चेंजेस ला रहा है और हो रहा है, हमारी वजह से ही हो रहा है हालांकि, बट बहुत चेंजेस हो रहे हैं। तो फिर ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ सैलून और वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ कि कैसा क्या होता है, पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी कि कैसे इसकी केयर करनी चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड तो नहीं, चलो चलो। गाइस मेरी दी आ चुकी है पार्लर में और ये देख लो इसके बाल कैसे दिख रहे हैं, रफ डैमेज, और ये अभी स्ट्रेट होगा। क्या बोलते हो दी, पलटो ना, घूमना हो, अबे घूमना यार, मोटी डर लग रहा है सीरियसली। और अबे ये तो ऑपरेशन होने वाला है, आगे देखते हैं कैसा कैसा प्रोसेस होगा, सब बताते हैं आपको। तेरा फेस कितना बड़ा लग रहा है, कितनी मोटी है, मेरे हिस्से का भी खा लेती है, देख लो कितना बांस भरा है इसके अंदर। रोरी क्या दी, रोरी क्या, नहीं रो रही हूँ ना, देख बाल स्ट्रेट हो रहे तो नहीं, एक्साइटेड हूँ, वेट कर रही हूँ, ये वॉश वगैरह हो रहा है इनका, वो तो अच्छा ही लगेगा ना, बाद में रोना नहीं। कैसे टाइप है मोटी, वो पतला है ये मोटा है, चालू हो रहा। अच्छा दिख रहा मेरे को, मैं डर रही थी, पता चंपू जैसे तो नहीं दिख रहा मेरे ऊपर। सबसे पहले चिल्लाएगी ना, बाल कलर करवाई थी तब भी डांट खाई थी, कैसे बोली थी ये मेरी बेटी नहीं दिख रही है बोलती थी मैं। आधा तो बहुत टेंशन में थी पता है उन्हीं की वजह से।
मेरी मम्मी ने भी इतनी सिंपल है अभी तक अपना आईब्रो वाइब्रो कुछ नहीं बनवाई है पूरा, पर फिर भी अच्छी दिखती है। हाँ अब उस जमाने में लेकिन उनको नेचुरल नेचुरल होता है ना दी, बट अभी अभी के हिसाब भाई तो अभी अगर नहीं करेंगे ना तो कैसे से लड़के लोग टोक देंगे भाई आईब्रो नहीं बनवाई है। लड़के तो जाने ही तो सही तो बोल रही हूँ, लड़के लोग तक बनवाते हैं अभी आईब्रो, सही बोल रही हूँ ना। अरे मेरे को नहीं पता था ना कि इधर भी है करके, हमको तो लगा वही रहेगा, हमको देखे नहीं मैन से कि क्या है करके। भाभी को एक बार आ जाएगा वो समझ जाएगी। अरे स्ट्रेट कर करके जा चुकी हूँ यार, ऐसा नहीं स्ट्रेटनर तो था मेरे पास में, अच्छा तो दिखता है, मतलब कुछ नहीं बोले था। बताना मत ना परमानेंट या बता मत देना, मतलब ऐसे ही है ऐवे ही टाइप स्ट्रेट कर रही हूँ बोल, हाँ स्ट्रेट करवाई बोल बोल देना। देख अरे हाँ इसमें तो पता चल जाएगा, वैसे ये फास्ट फॉरवर्ड रहेगा ना, कौन सुनने वाला है, इसमें म्यूजिक डाल दूंगी। बोलती छोटा बाल कटवाओगी उसका फेस तो ऑलरेडी इतना बड़ा है। बाल कम पे ज़्यादा हाईलाइट होगा, उसको मना भी कर रही हो ऐसे ना। तो गाइस रिकॉप फाइनली हो चुका है, अभी आधा टचअप हुआ है आधा बचा है, तो कैसा लग रहा थी? मज़ा आ रहा है, पार्टी कर रही हूँ। पार्टी कर रही समझ दी का फाइनल हो चुका है और दीदी एकदम चंपू लग रही है, तो अभी देखते हैं और मैं भी सोच रही हूँ बाल कट करवा लूँ हेयर कट, तो अभी देखते हैं क्या होता है और मैं आप लोगों को फोटो दिखाऊंगी। तो गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, रिकमेंड करना कि कौन सा बाल कितना अच्छा दिखेगा कि नहीं, कि लंबे बाल वॉश हो रहा है, बाल हेयर वॉश हो रहा है, अभी देखते हैं। बाल वॉश हो चुके हैं अभी और थोड़ा बच्चा है टचअप देना, तो देखते हैं क्या होता है अभी। पर कितने कम हो गए हैं स्ट्रेट होने से। मैं बाल झड़ते हैं डैमेज होते हैं, शैम्पू यूज करना पड़ेगा ये। मैंने होना तो टकलीच है बोला।
डैमेज नहीं चाहिए मेरे को, एकदम न्यूट्रल रखना चाहिए, एकदम से भी ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो गाइस मेरी दी का सेकंड टचअप हो चुका है, अब थर्ड टचअप और होगा 10 मिनट का। तो अब ये देख सकते हो काफी ज्यादा स्मूथ लग रहा है दी का बाल। क्या मेरे को मजाक उड़ा कमान कर रहा है, पहले जम्बू था अब देख लो पूरा सिल्क हो गया डेरिवल की तरह नमटी। ये काफी ऑसम दिख रहा है दीदी, अच्छा लग रहा है यार तेरे में। मुझे पैदा होते ही पता कि मेरे में स्ट्रेट बाल अच्छे दिखे। तो जब पैदा ही हुई थी तभी क्यों नहीं करवा ली? ये कितना अच्छा लग रहा है, ये कैसा लग रहा थी दी? अभी क्या यूज कर रहे हो आप? अच्छा ओके, अच्छा स्ट्रेट किए जो उसको फिक्स करने के लिए, ठीक है। राउंड और हो रहा है दी का 10 मिनट का लास्ट राउंड है ये, अब देखते क्या होता है क्या नहीं। कैसा लग रहा है दी अपने नए लुक में? अभी उतने दिख रही होंगे, अभी हिलाना नहीं है। कौन सी गाइस, अभी दीदी का ऑलमोस्ट हो चुका है ये स्मूथनिंग का, और देखते हैं अभी और क्या हो सकता है। ऑलमोस्ट हो चुके हैं अभी, मैं उनके टेक्सचर काफी कर लिए और इनको सॉफ्ट एंड मैनेजेबल लुक चाहिए था, इसलिए हमने एक्सटेंशन का इनका स्मूथनिंग किया। एंड देख रहे हैं आप इसकी शाइन अलग से आ रही है, एंड मैम के कुछ हेयर कलर ट्रीटेड भी है तो इसमें हम केराटिन करेंगे जिससे इनकी शाइन और डबल हो जाएगी। वो नेक्स्ट टाइम करेंगे जब वॉशेबल आएंगे, मतलब 25 दिन बाद। इनका हेयर कट अभी बाकी है, नीचे देख रहे होंगे थोड़ा एंड्स अनमैनेजेबल लग रहे हैं, जब हम कट करेंगे तो आपको अच्छा फाइनल लुक मिलेगा। ओके ठीक है, तो वन सेकेंड रुकना दी। ऐसी अमाउंट नहीं देगी बूटी इसलिए तो बोल रही है। तो हो गया, उसको भी साइड में कर, मैं भी पीछे ले लो पूरा, बस बाकी कान के पीछे मत करना। हाँ फसाना नहीं है ना कान में, हाँ कान में फसाना नहीं है बाल। 4 to 6 days later हो चुका है दी, इधर मुड़ो, बाल कट वगैरह हो चुका है।